फिर से एक नया वीडियो के साथ मैं कबीर आज आया हूँ नया प्रोजेक्ट जोका मिट्टी के सारे इनिंग में आवास जोका में। ये आवास जोका में जो बंगलो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये बंगलो का लुक देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एक लुक है। और इसका जो डेमो ऑलरेडी बन चुका है, अभी वो डेमो का मैंने वीडियो अंदर का वीडियो आपको दिखाऊँगा। चलिए देख लेते, ये ढाई गड़ा लैंड एरिया में आपको 1818 स्क्वायर फीट का ये एकदम इंडिविजुअल बंगलो है। बंगलो का लुक मैंने 3D लुक मैंने दिखाऊंगा, 3D लुक दिखाऊंगा और ओरिजिनल जो बना है उसका अंदर का वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देख लेते एक कितना खूबसूरत ढाई कड़ा लैंड में आपका एक ब्यूटीफुल हाउस दिया जा रहा है और प्राइस एकदम रिजनेबल रेट में और प्रीमियम क्वालिटी बंगलो। रिजनेबल रेट इसका 67 इसका प्राइस है, 67 लाख में आपको ढाई कड़ा लैंड में ब्यूटीफुल हाउस दिया जा रहा है। चलिए देख लेते इसका अंदर का एकोमोडेशन कैसा है, इसको कैसे एकोमोडेट किया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका से इसको एकोमोडेट किया गया है, एकदम बढ़िया से इसका फिनिशिंग देखिए कितना खूबसूरत है। सामने आपका कवर्ड पार्किंग है, एक SUV मॉडल का गाड़ी आपका यहाँ पर पार्किंग हो जाएगा। और लैंडस्केपिंग देखिए कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में गार्डन है, बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, पास में भी गार्डन का जगह है, राइट साइड में भी आप देखिए गार्डन का स्पेस है, पूरा बना हुआ है, रास्ते से लेकर सब कुछ बना हुआ है। ये है आपका फ्रंट एरिया है, पीछे में भी बहुत जगह है किचन गार्डन के लिए, मैं थोड़ा वो देखा देता हूँ पीछे कितना जगह है, आप वहाँ पर भी किचन गार्डन बना सकते हैं। चलिए देख लेते ढाई कटा लैंड को कैसे एकोमोडेट किया गया है पहले, उसके बाद बंगलों का अंदर जाऊंगा, बंगलों का अंदर का एकोमोडेशन मैं दिखाऊंगा। ये पीछे काफ़ी जगह है, आप चाहो तो इसको जैसे भी यूज़ कर सकते हो गार्डनिंग के हिसाब से। ये बंगलों में पीछे सॉफ्ट टैंकी जो दिया गया है पीछे है और यहाँ पे किचन गार्डन का स्पेस है। अब चलते हैं बंगलों का अंदर, बंगलों का अंदर का एकोमोडेशन थोड़ा देख लेते। बंगलों का मैं अंदर जा रहा हूँ तो जाने से पहले मैं दिखाता हूँ इसका फ्रंट में जो विंडो है, देखिए एकदम वुडन विंडो, एक्सीलेंट क्वालिटी वुडन विंडो, वुडन डोर, फिर मॉड्यूलर डोर दिया गया है इस घर में, देखिए कितना खूबसूरत है ये डोर। तो ये डोर से मैं अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल रूम है, बिग साइज हॉल रूम है और नीचे में एक तो बेडरूम भी दिया गया है, किचन भी दिया गया है, वॉशरूम भी है कॉम्पैक्ट। ये पूरा एरिया आप देख लीजिए कितना बड़ा एरिया है। लिविंग एरिया का साइज है आपका यहाँ पे 15 फुट 7 इंच बाय 11 फुट 9 इंच का ये डाइनिंग लिविंग एरिया है, बहुत बिग साइज का ये लिविंग एरिया है। आप देख लो कितना बड़ा हॉल रूम है और यहाँ पे किचन 10 फीट बाय 5 फीट 11 इंच का जगह है, इसमें किचन को एकोमोडेट किया गया है, चाहो तो अपने हिसाब से इसको मॉड्यूलर कर सकते हो। और यहाँ पे एक तो कॉमन वॉशरूम दिया गया, ये कॉमन वॉशरूम भी पूरा एकदम रेडी, देखिए टाइल से लेकर ऑल फिटिंग्स, जगुआर और हिंदवायर का फिटिंग्स लगा हुआ है और टाइल से लेकर सब कुछ एकदम क्वालिटी दिया जा रहा है। और नीचे में एक तो बेडरूम है, ये बेडरूम अभी पूरा फिनिशिंग नहीं हुआ है, डेकोरेशन का काम हो रहा है, इसमें फ्लैश डोर से लेकर सब कुछ आप देखिए बहुत ही खूबसूरत मॉड्यूलर फ्लैश डोर दिया गया है। और एक बेडरूम, ये फास्ट बेडरूम है, फास्ट बेडरूम में मैं आ रहा हूँ। वेंटिलेशन के लिए फ्रेंच विंडो दिया गया है चारों तरफ, पीछे का जो किचन गार्डन एरिया है पूरा लाइट से लेकर सब कुछ लगा हुआ है, एकदम रेडी है। एक ग्राउंड फ्लोर दिखा दिया हूँ, अभी फर्स्ट फ्लोर पे चलता हूँ, फर्स्ट फ्लोर एरिया में कितना बड़ा स्पेस है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टेयर के नीचे से एक सेकेंड डोर है, यहाँ से आप पीछे किचन गार्डन में जा सकते हैं। पार्किंग स्लॉट से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे एक तो विंडो रखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा बंगलों में स्टील का रेलिंग दिया जाता है, वुडन रेलिंग इसमें आ जाएगा। स्टेयर में आपको मार्बल दिया गया है, ये स्कीड ना करे इसलिए मार्बल यूज़ किया गया है। चलिए ऊपर जाते हैं, ऊपर का एकोमोडेशन देखते हैं। यहाँ पे एक फ्रेंच विंडो है वेंटिलेशन के लिए, लाइट के लिए, ये साउथ फेसिंग में है।
ये फर्स्ट फ्लोर में आ गया हूँ। फर्स्ट फ्लोर देखिए कितना खूबसूरत है। लिविंग एरिया देखिए 11 फुट 10 इंच बाय 8 फुट 6 इंच का लिविंग स्पेस है। और ये डबल हाइट जगह है जहाँ पे आप नीचे का व्यू भी देख सकते हैं। यहाँ से प्लान को बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। और ये सामने का व्यू देखिए, यहाँ पे एक तो स्लाइडिंग है फ्रेंच विंडो का, और एक बिग साइज का बैल्कनी दिया गया है यहाँ पे। ये बैल्कनी बहुत ही लंबा बैल्कनी है, बड़ा है। ये बैल्कनी 12 फुट 3 इंच बाय 4 फुट 11 इंच का एक बिग साइज का बैल्कनी है। यहाँ पे दो बेडरूम है, बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम भी है। तो पहले जो बेडरूम है, बेडरूम को दिखा देता हूँ। ये 11 फुट बाय 10 फुट का एक बेडरूम है। दोनों साइड में वेंटिलेशन के लिए फ्रेंच विंडो, वेंटिलेशन के लिए एक बड़ा सा स्लाइडिंग फ्रेंच विंडो दिया गया है। ये बेडरूम है। बेडरूम से निकलते ही एक तो यहाँ पे कॉमन वॉशरूम दिया गया है। ये कॉमन वॉशरूम भी देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल है। टाइल्स से लेकर ऑल फिटिंग्स यहाँ पे क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया गया है। जागुआर और हिंदुआर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये जो जगह है यहाँ पे आप देख लो, किड्स बेडरूम या आप स्टोर या पूजा रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये 10 फुट 3 इंच बाय 6 फुट 4 इंच का एक तो छोटा सा रूम है। इसको आप चाहो तो जैसे यूज़ करो कर सकते हो। ये बंगलों का आप यूटिलेशन देखिए, कितना प्लानिंग को कितना अच्छे से प्लानिंग किया गया है। एक आदमी की ज़रूरत के हिसाब से इसको प्लानिंग किया गया है। और मैं चलता हूँ मास्टर बेडरूम में, मास्टर बेडरूम देख लेता हूँ। मास्टर बेडरूम कितना खूबसूरत है। एक्चुअली हम लोग ऑफिस के पर्पज से यूज़ कर रहे हैं। डेमो भी रेडी है, डेमो में पूरा रेडी हो जाएगा तो मैं वीडियो दिखाऊँगा। एक मास्टर बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम इसके साथ है, बहुत ही खूबसूरत एक बेडरूम है। दोनों साइड में फ्रेंच विंडो है और एक फ्रंट में स्लाइडिंग विथ फ्रेंच विंडो सामने में है। इसको हम लोग ऑफिस के पर्पज यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ऑफिस के हिसाब से एकोमोडेशन किया गया है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर एरिया। फर्स्ट फ्लोर एरिया देखने के बाद हम लोग जाएंगे टेरेस में। टेरेस में भी एक तो रूम है, ओपन टेरेस है। चलिए देख लेते हैं टेरेस कितना खूबसूरत है। टेरेस में जो मम्पी दिया गया है देखिए, 12 फुट 7 इंच बाय 6 फुट 10 इंच का ये एक बड़ा सा रूम, और दोनों साइड में एक बिग साइज का टेरेस है। ये एकदम सेकेंड फ्लोर में है, 12 फुट 7 इंच बाय 6 फुट 10 इंच का। इसको आप चाहो तो रूम के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। ये फ्रंट में मैं आ रहा हूँ, फ्रंट का जो व्यू दिया देखिए कितना खूबसूरत है। बड़ा सा टेरेस है, ऊपर में पारगोला है, सेट दिया हुआ है, लंबा सेट दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे आप बारिश का मौसम में बैठ के कुदरत का नज़ारा है वो आप देख सकते हो। इधर जो जगह है आपका 13 फुट 1 इंच बाय 13 फुट 4 इंच का बड़ा सा जगह है लंबा। इस साइड में आप देखिएगा तो आपका 12 फीट 3 इंच बाय 16 फीट 9 इंच का एक बिग टेरेस है। आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आज जो मैंने बंगलो दिखाया है ये 2.5 कट्टा लैंड में 1818 स्क्वायर फीट का एकदम रेडी बंगलो है। चलिए ये बंगलो तो देख लिया, इसके बारे में और भी कुछ बात करेंगे। मम्पी रूम से आप निकल के पीछे आने से एक और भी बड़ा सा बिग साइज का टेरेस है, 18 फीट 2 इंच बाय 10 फीट 3 इंच का टेरेस है। कुछ भी पर्पस इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये जो प्रोजेक्ट है जोका मेट्रो से 10-15 मिनट का डिस्टेंस में एकदम मेन रोड के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है। सब कुछ रेडी है, ऑल मॉडर्न एमिनिटीज के साथ ये प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है। और इसका प्राइस, ये जो बंगलो है 2.5 कट्टा लैंड में 1818 स्क्वायर फीट का बंगलो, और इसका प्राइस जो रखा है बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। लो प्राइस में आपको एकदम प्रीमियम क्वालिटी का बंगलो मिल रहा है। ओनली 67 लाख इसका प्राइस है। आप चाहो तो किसी भी दिन ये प्रोजेक्ट साइट विजिट के लिए आ सकते हैं। आना बहुत ही इजी है, आप जोका मेट्रो से बस ऑटो या ओला उबेर पकड़ के आ सकते हैं। एकदम शहर के नज़दीक में अपना सपनों का घर।
आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये प्रोजेक्ट आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आप अगर कलकत्ता में घर ढूंढ रहे हो तो इससे बढ़िया घर आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। नीचे में मेरा नंबर है, आप कॉल करके किसी भी दिन साइट विजिट के लिए आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।